हेलो गाइस, फाइनली जो भी है मैंने एक बोया माइक बाय कर लिया है, मतलब बोया माइक खरीद लिया है। और मैं इस बोया माइक के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। और हालांकि मैंने इस बोया माइक को इस लॉकडाउन में ख़रीदा है, तो क्या परेशानी मेरे साथ हुई है वो सब बताऊँगा, सब कुछ शेयर करूँगा। और क्या कुछ मिला है मुझे इस बोया माइक के साथ, क्या फ़ायदा हुआ है बोया माइक ख़रीदने के बाद, क्या लॉस हुआ है और क्या क्वालिटी मिली है बोया माइक की, और साथ में प्राइस भी सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस गाइस, ये रहा वो बोया माइक जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने देख तो लिया ही होगा मेरे पहले जो मैंने इंट्रो दिया था उसमें। और यार मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने बोया माइक ले लिया, क्योंकि यार एक नए यूट्यूबर की ख्वाहिश होती है कि वो बोया माइक खरीदे। एक ड्रीम होता है कि भाई वो बोया माइक कहीं से भी ले, लेकिन वो जेनरिक माइक यूज़ करता है, क्योंकि उस टाइम जब स्टार्टिंग के टाइम पे बोया माइक थोड़ा महंगा पड़ सकता है हमें, लेकिन जब अर्निंग होने लगती है यूट्यूब में उसके बाद लोग बोया माइक ले ही लेते हैं। बट मेरी भी अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैंने बोया माइक ले लिया क्योंकि यार मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, व्यूज आ रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना एक बोया माइक खरीदा जाए, बाय किया जाए। तो मैंने इसलिए बाय कर लिया। और इस बोया माइक के बारे में बताऊँ, मैं अभी लगभग 1 मीटर दूरी से स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम इसे DSLR से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग जैक आता है जो कि मैंने डब्बे में रख रखा है। वो डब्बा भी अब मैं आपको शो कर देता हूँ, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि डब्बा कैसा है, ओरिजिनल है कि माइक नहीं है। गाइस ये रहा वो बॉक्स जिससे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बॉक्स से नहीं, उसके अंदर जो बोया माइक है उससे। ये रहा वो बोया माइक जो कि आपने देखा कॉलर पे, अभी भी मैंने लगा रखा है और मैं इसी माइक से ही बोल रहा हूँ। आगे जाके मैं इसका अभी कंपैरिजन भी करने वाला हूँ, एक मैं बोलूँगा स्मार्टफोन के ऑडियो से और एक बोलूँगा माइक के साथ लगा के। और आपको जज करना है कि मेरा आवाज़ किस में बेटर आ रहा है, और आपको कमेंट भी करना है कि भाई कौन सा आवाज़ आपको बेटर लगा, स्मार्टफोन का आवाज़ या फिर आपको जो मेरा बोया माइक की साउंड है वो बेटर लगी। तो कमेंट ज़रूर करना यार, अगर आप ये बोया माइक लेना चाहते हो, बोया माइक के अगर आप पसंद करते हो तो। और इस बोया माइक की अनबॉक्सिंग में आपको मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ कि अनबॉक्सिंग में क्या क्या चीज़ें आपको इस बोया माइक के साथ मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि ये जो स्टिकर लगा हुआ है, ये हमें ये बतलाती है कि मतलब ये ओरिजिनल माइक है। इसमें एक स्क्रैच का ऑप्शन आता है, जो स्क्रैच करने के बाद आप पता नेट पे जाके, मतलब इसके वेबसाइट पे जाके आप इसका जो नंबर लिखा हुआ है वो वेबसाइट पे डालेंगे तो आपका लिख के आ जाएगा कि मॉडल, ये बोया माइक का मॉडल नंबर सब दिखा देगा। तो ये स्टिकर तो ये दिखा देता है, बाकी इस अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताना भूल गया इस माइक के बारे में। हालांकि दोस्तों ये जो माइक है मैंने लॉकडाउन में बाई किया, लॉकडाउन में ख़रीदा है, तो मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया प्राइस के मामले में, क्योंकि लॉकडाउन में आजकल हर चीज़ें महंगी आ रही है, इस कारण मुझे माइक भी महंगा पड़ गया। और इस जिससे मैंने माइक ख़रीदा, मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट किसी भी मतलब स्टोर ऑनलाइन स्टोर से नहीं ख़रीदा, मैंने कहाँ से ख़रीदा मैं आपको सब बताता हूँ। जैसे कि हम अमेज़ॉन से कहीं से बुक कर रहे हैं, तो जो बंदा जो सेलर है जो मुझे लाके जो अमेज़ॉन के द्वारा मुझे लाके दे रहा है माइक, मैंने डायरेक्ट उससे कांटेक्ट किया, मतलब डायरेक्ट मैंने सेलर से कांटेक्ट किया। तो उसका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस नंबर पे कॉल करके उसको बुक करके मंगा सकते हो। आपको पेटीएम पे पेमेंट भेजना होगा, वो आपको बोया माइक सेंड कर देगा आपके एड्रेस पे, और एड्रेस आपको व्हाट्सएप पे ही भेजना होगा। और मैं वो जो जिस बंदे से मैंने मंगाया है वो यूट्यूब पे भी वीडियो डालता है, तो मैं उसकी वीडियो भी लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वहाँ जाके उसकी वीडियो भी देख सकते हो। तो अगर आप ये बुक अगर इसको बुक करके मंगाते हो सेलर से, तो ये लगभग 4 या 5 दिन में आपके घर तक आ जाएगा। ये लास्ट डे है, मतलब 4 से 5 दिन एंड टाइम है, इतने तक आ ही जाएगा। और इसके प्राइस की बात करें वो मैं अनबॉक्सिंग के बाद बताऊंगा प्राइस, तो वीडियो में बने रहना प्राइस के लिए। दोस्तों ये रहा हमारा वो बॉक्स, जल्दी से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है इस बॉक्स में हमें। तो बोया बाय M1 लिखा हुआ है सामने की तरफ, बैक के साइड की तरफ भी यही लिखा हुआ है बोया बाय M1, कंपनी का एक मार्क लोगो दे रखा है और कुछ हाईलाइट्स दे रखे हैं इसके बारे में, जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सब हाईलाइट्स दे रखे हैं। बट हमें डायरेक्ट माइक को देखना है। यहाँ पे एक स्क्रैच कोड जो कि मैंने वीडियो में बताया था, उसको एक बार स्क्रैच कर लेते हैं और देखते हैं अंदर की तरफ क्या मिलता है। गाइस स्क्रैच करने का कुछ नंबर सा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ 2 3 4 ऐसे करके। बट हम बॉक्स खोलते हैं, सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं बॉक्स को। अब ओपन करने का कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, इसके बाद अंदर की तरफ सबसे पहले एक पैकेट मिलता है, जो कि हर बार की तरह हमें पता ही है, जिसमें कि एक बोया का लोगो बन रखा होगा पैकेट में। एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, लेकिन सेलर ने हमें कोई भी नाम वो सब लिख के नहीं दिया, क्योंकि अंदर था बॉक्स के ये। उससे ये रहा वो पाउच जिसमें है हमारा माइक, और देख लेते हैं अंदर की तरफ क्या मिलता है। अंदर की तरफ एक गाइड यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसको कि हम पढ़ेंगे नहीं, बस थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ बस। ये अच्छा बहुत पढ़ लिया, चलो साइड रखते हैं। अब अंदर बिल्कुल खाली है डब्बा बिल्कुल, अब सब साइड करते हैं सबसे पहले। अब साइड करने के बाद ये रहा भाई वो हमारा माइक, जिसको कि अभी हम यूज़ करके आपको कंपैरिजन भी दूंगा कि कौन सा बेटर आ रहा है साउंड।
जल्दी से हमारा ये माइक निकल गया, आपने देखा। और अंदर की तरफ क्या मिलता है, अंदर की तरफ एक, अब ये नहीं पता भाई मुझे क्या है, बट ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब इसको साइड करते थे, बाद में समझते हैं इसको क्या है। अगर आप ये लेते हो तो आपको भी मिल जाएगा, आप भी समझ सकते हैं इसको बाद में। आप देख सकते हैं कुछ मोती जैसे हैं। और ये एक कैमरा का जैक और एक माइक का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जिसके वजह से जो हमारा नॉइस होता है वो कम हो जाता है। एक ये और बैटरी भी मिली जाती है अंदर जो, बट आपको ये रहा कैमरा का अडेप्टर और आपको सिंगल बैटरी मिलती है, यानी अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपको अलग से बैटरी लेना पड़ेगा दोबारा यूज़ करने के लिए। बट अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर रहे हो तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं फिर फिट कर देता हूँ एक बार, आप ये बैटरी दिखा देता हूँ मैं आपको। आप देख रहे जाते कि LR44 की बैटरी है, सेल है। आपको साइड कर देते हैं जल्दी से इसको अपने में लग। तो गाइस ये रहा, अब इसको मोबाइल में लगा के चेक करने वाले हैं हम। इसको थोड़ा और करीब से दिखा देता हूँ आपको, आप देख लो थोड़ा और करीब से। सुन रहे हो ये सीधे स्मार्टफोन की ऑडियो है, जो सीधा मेरी आवाज़ स्मार्टफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो आप सुन सकते हो कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, आप जज भी कर सकते हो कि पहले मेरी आवाज़ सही थी या अब आवाज़ सही आ रही है। तो अब मैं मतलब 20 सेकंड के बाद अब मैं माइक से साउंड रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद आप कमेंट जरूर करना कि कौन सा ऑडियो आपको बेटर लगा। तो माइक, सो गाइस ये रहा माइक, आवाज़ सुन रहे हो आप मेरी। तो मैंने कनेक्ट भी कर दिया अपने स्मार्टफोन के साथ और अपने कॉलर में एक बार लगा के देखता हूँ। हाँ, ये मेरे कॉलर में भी फिक्स हो गया। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है। और जो पिछली बार मैंने स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग की थी उसमें थोड़ी मतलब इको ज़्यादा आ रहा था, आपने सुना होगा और आपको लगा कि भाई बोया माइक लेना बेस्ट है। बट अगर आप छोटे, बहुत छोटे यूट्यूबर हो तो भाई मत लो, क्योंकि अगर आपके, अगर आप घर के पैसे वेस्ट करते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में ऐसा नहीं हो, बाद में अगर आप ग्रो नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी आपको, माइक एक तरह का बेकार सा हो जाएगा। तो लेकिन मेरे तो मतलब वीडियो थोड़ी ग्रो हो रही थी, मेरे वीडियो में व्यूज़ आ रहे थे, तो मुझे लगा एक माइक खरीद लेना चाहिए, तो मैंने खरीदा। और आप मेरा देख के भाई कॉपी मत कर लेना, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है कि खरीदना चाहिए तो आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाओ उसको देखो और एक मेरी वीडियो को लाइक करके जाना। सो गाइस, आपने अगर मेरी वीडियो की अनबॉक्सिंग देख ली उसके बाद भी अगर आप रुके हुए तो पक्का आप प्राइस पूछना चाह रहे हो कि मुझे किस प्राइस रेंज में ये माइक मुझे प्रोवाइड किया, मतलब मुझे किस प्राइस में मुझे माइक मिला। तो गाइस, इस माइक की जो प्राइस है वो मुझे मिली 900 रुपीज़, मतलब 900 रुपये में मुझे माइक मिल गया था। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण मुझे थोड़ा महंगा मिल गया। लगभग मैंने लॉकडाउन से पहले पता किया था ये माइक, लगभग मुझे उसी सेलर से मैंने पता किया था, तो वो मुझे मतलब 700 रुपये का मुझे माइक मिल रहा था, यानी 700 का मुझे माइक मिल रहा था लॉकडाउन से पहले। बट दिस टाइम, मतलब इस टाइम पे लॉकडाउन के बाद, अभी लॉकडाउन तो ख़त्म हो चुका है, तो इस टाइम पे मुझे माइक मिला लगभग 900 रुपये में, मुझे माइक मिल गया। बट मैंने बाय कर लिया क्योंकि मुझे उस माइक की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इस माइक को ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद आपको इसको मतलब ख़रीदना कैसे, बाय कैसे करना है, मैं आपको सब बताता हूँ। आपको जब इस कॉन्टैक्ट करोगे सेलर के पास, तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर देगा, मतलब बिजनेस नंबर में एक व्हाट्सअप देगा जो कि उसका व्हाट्सअप नंबर होगा। उस व्हाट्सअप नंबर में आपको पेटीएम से 900 रुपये सेंड करने हैं। सेंड करने के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसी व्हाट्सअप पर आपको सेंड कर देना है। उसके बाद वो एक डिटेल प्रोवाइड करेगा जिसमें कि आपको नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल डालनी है आपको। फिर उसके बाद आपको उसको वापस से सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद 4 से 5 दिन में आपका वो माइक आपके घर तक पहुंच जाएगा। और ये माइक जो है भाई, मैं यूज़ करने वाला, इस माइक की क्वालिटी बताऊं
तो इस माइक की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत बेस्ट क्वालिटी का माइक लगा है मुझे ये, और मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप आवाज़ भी सुन सकते हो।